तो फ्रेंड्स देखिए स्क्रीन पर आ रहा है एरर वन या फिर एरर टू, कोई भी आ रहा है किसी भी डिश का हो, अलग अलग आता है। यो एरर वन एरर टू का कुर्ती अलग अलग आता है, यानी कि कार्ड आपका सही ढंग से सेट नहीं हुआ, इसी वजह से ये कंप्लेन आता है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, तो ये देखिए यहाँ पर ग्रीन लाइट है बॉक्स में, सेटअप बॉक्स में, फिर ऊपर स्क्रीन में देख लेते हैं एक बार। तो इससे पहले जो वीडियो बनाया था मैंने, उसे नॉर्मल प्रॉब्लम्स देखने के लिए बनाया था नॉर्मली, तो आप उसी वीडियो से अगर सॉल्व नहीं होगा था तो ये फाइनल स्टेज है, ये करना 100% सॉल्व होगा ये प्रॉब्लम्स यहाँ से। तो देखिए एरो टू का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसका एक बार देख लेते हैं, कार्ड का पीछे से बॉक्स को निकाल लेते एक बार। कार्ड का पीछे देखिए, तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा रहेगा उसे दबा के सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबा के ऑल कर दिया ताकि कि मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को थोड़ा नोटिफिकेशन मिल जाए, और मैं इसी तरह से डीटीएच से जुड़ा हुआ वीडियो अपने चैनल्स पर लाते रहता हूँ। तो ये पीछे से मैंने कार्ड को निकाल लिया, कार्ड को निकाल के इस कार्ड में क्या होता है, कभी कभार काफ़ी दिनों से ये कार्ड अंदर पड़ा रहता है तो थोड़ा बहुत धूल मिट्टी वगैरह लग जाता है या फिर कुछ। हाँ देखिए ये पिन, कार्ड को उल्टा करके यहाँ पे पिन है, इस पर एक इरेजर से हम साफ़ कर लेंगे। देखिएगा इसमें से थोड़ा बहुत गंदगी निकलेगा, जिसके लिए वहाँ अंदर कुछ पिन के साथ ही सही ढंग से टच नहीं होता तो इससे होता है आपका एरर वन एरर टू का प्रॉब्लम आता है, यानी कि कार्ड वहाँ पे डिस्कनेक्ट होके रहता है। कार्ड को जैसे कि कनेक्ट होके रहना है एग्जैक्टली ऐसा नहीं रहता है, तो ऐसे में क्या करना है आपको इसे थोड़ा साफ़ कर देना है, अच्छी तरह से साफ़ कर दीजिएगा। बट ध्यान रहे इतना ज़ोर से भी नहीं था कि वहाँ पे गोल्डन कलर का चिप्स ही उखरा है निकाला है, तो स्मूथ से पूछ लीजिएगा, इरेजर से साफ़ कर दीजिएगा इसको, ऐसे जैसे बिल्कुल मैं इसे कर रहा हूँ उसी टाइप से आप कर लीजिएगा। देखिए थोड़ा बहुत गंदगी निकाला है कार्ड से, कार्ड से मतलब क्या, वहाँ पिन से, पिन पे काफ़ी दिनों का गंदगी फंसा रहता है, तभी फिर इसे दोबारा डाल देंगे ऐसे करके। बिल्कुल ये जो त्रिभुज देखा ना, त्रिभुज साइड को अंदर करके गोल्डन कलर का चिप्स को नीचे रख के ये अंदर कर देंगे, बस ये करके एक बार टीवी स्क्रीन पर देख लेता हूँ। देखिए आगे ये हो गया पहला प्रोसेस, अगर इससे भी सॉल्व ना हो देन प्रोसेस नंबर टू, जो कि सेटअप बॉक्स को खोल के करते हैं। प्रोसेस नंबर टू देखिए, ये है सेटअप बॉक्स, वही HD सेटअप बॉक्स है, तो इसे पहले खोल लेता हूँ। यहाँ पे देखिए तीन स्क्रू है बैक साइड पे, तो कार्ड को पहले रिमूव कर लूँगा। सबसे पहले कार्ड को रिमूव करके इसका स्क्रू वगैरह खोल लेता हूँ मैं, ये तीनों स्क्रू को निकाल लेता हूँ यहाँ से। तीनों स्क्रू को निकाल के सारे स्क्रू को निकाल लूँगा तब तक बॉक्स का। तो तब तक अगर इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें नॉर्मली कार्ड को निकाल के ज़रा साफ कपड़े से पूछ के फिर डाल देना है इसी प्रोसेस के बारे में बताया, तो उस पर अगर सक्सेस नहीं हुआ हो तो ये दोनों प्रोसेस का फॉलो कर सकते हो। पहले जो इरेजर से साफ़ करने वाला प्रोसेस देखा है उससे करो, या फिर आप वो वाला प्रोसेस अप्लाई कर सकते हो जो फ़िलहाल मैं दिखा रहा हूँ, तो इससे 100% सॉल्व होगा ये प्रॉब्लम। तो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस को देख लीजिए, बॉक्स को पूरा खोल देता हूँ पहले। बॉक्स को खोल के नीचे दो स्क्रू और रहता है, दोनों स्क्रू को खोल लेता हूँ। दोनों स्क्रू को खोल के बॉक्स को बिल्कुल ओपन कर लूँगा, सेट टॉप बॉक्स को। कुछ नहीं, बस इसका अंदर जो जहाँ पर ये डिजी कार्ड जाके सेट होता है, या कह लो आपका BC कार्ड सेट होता है, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे वो DISH TV हो, चाहे ये टाटा स्काई हो, हर एक DTH का जो कार्ड सिस्टम वाला बॉक्स है, इस पर हर एक का एक ही प्रोसेस होता है। कार्ड का मतलब सिस्टमेटिक एक ही टाइप का होता है, वहाँ पे एक पिन रहता है, कुछ बॉक्स का यहाँ पे पिन रहता है, फिर कुछ बॉक्स का इस साइड पे अलग अलग साइड पे रहता है, वो तो मॉडल का ऊपर, बॉक्स का अलग अलग गेटअप आता है, अलग अलग मॉडल आता है उसी साइड के, ऐसा होगा। तो कार्ड ऐसा जाके चिपकता है यहाँ पर, तो यहाँ पर नीचे अंदर होगा शायद पिन, इस बॉक्स का यहाँ नहीं है पिन, इस बॉक्स का मैं दिखा देता हूँ आपको पिन कहाँ पर है। इस बॉक्स का पिन है दोस्तों यहाँ पर, एक बार दिखा देता हूँ मैं। हाँ देखिए वहाँ पे गोल्डन कलर का दिखाई दे रहा है ना अंदर, तो छोटा सा पिन रहता है जो दोनों टच होने पर तब जाके आपका पिक्चर चालू हो जाता है, एरर वन एरर टू का प्रॉब्लम है। तो क्या होता है यहाँ पे थोड़ा बहुत मैल मिट्टी वगैरह जम जाता है, तब जाके ये डिस्कनेक्ट होकर रह जाता है, या फिर ज़्यादा
कार्ड को रिमूव बार बार करने पर क्या होता है, स्प्रिंग का जो टेंशन है वो कम हो जाता है, तो थोड़ा बहुत डिस्टेंस पैदा हो जाता है दोनों में, तो दोनों का टच नहीं होता है। तो इसको थोड़ा आप देख लीजिएगा, अगर साफ़ कर लीजिएगा या फिर स्प्रिंग का टेंशन थोड़ा कम है तो थोड़ा इसे स्क्रू ड्राइवर से एडजस्ट कर लीजिएगा, फिर दोबारा कार्ड डाल दीजिएगा तो आपका हो जाएगा। चलो इसमें सही ढंग से पिन दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो मैं एक नॉर्मल बॉक्स को ओपन करूँगा करके उसमें आपको पिन दिखाता हूँ। देखिए एक नॉर्मल बॉक्स है, यहाँ देखिए गोल्डन कलर का दो पिन का चिप्स दिखाई दे रहा है ना, वही दोनों पिन। ये कार्ड जब अंदर करते हैं हम तभी जाके एक दूसरे पिन के साथ टच होता है, टच होने के बाद ही आपको प्रोग्राम चालू होता है, यानी कि पिक्चर आता है, या अदरवाइज आपको यहाँ पे आता है एरर 2 एरर 1 ऐसा कुछ आ जाता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, वंदे मातरम।